रीठी तहसील के अंतर्गत बिलहरी उप स्वास्थ्य केंद्र में जननी वार्ड में भर्ती महिलाओं को आज 31 अक्टूबर रविवार को सुबह से कुछ भी नाश्ता व भोजन नहीं दिया गया। दोपहर 3 बजे मीडिया कर्मियों के द्वारा अस्पताल का अवलोकन किया गया तो भर्ती महिलाओं ने बताया कि सुबह से उन्हें चाय, बिस्किट, दूध, फल, फूल, भोजन कुछ भी नहीं मिला है। यहाँ पर स्वास्थ्य कर्मी भी अनुपस्थित थे। बता दें कि यहाँ पर पदस्थ डॉक्टर कटनी से अप डाउन करती हैं, जो अक्सर यहाँ शाम के बाद नहीं मिलती हैं। रात में यहाँ कोई भी डॉक्टर नहीं रहता। उप स्वास्थ्य केंद्र बिलहरी में व्याप्त अराजकता अपने चरम पर है। जननी को मिलने वाली सुविधाओं से आखिर क्यों वंचित रखा गया है? पौष्टिक आहार समय पर क्यों नहीं दिया जा रहा है? इसके लिए मिलने वाला फंड आखिर कहाँ जा रहा है? कहाँ से आई हैं आप? चरकुआ से। कब से भर्ती हैं यहाँ पे? रात के 2 बजे से। 2 बजे से। तो भोजन में खाने में आपको क्या मिला हॉस्पिटल से? कुछ नहीं मिला है। कुछ भी नहीं मिला है? नहीं मिला। फिर आपने क्या खाया? हमारी मम्मी लाए थी तो चाय टोस्ट खाया। अच्छा, जैसे दूध वगैरह फल फ्रूट मिलते हैं ये कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। कुछ भी नहीं मिला। कोई सुनाई नहीं हो रही, गोली लेके नर्स चली गई है तो जब से नहीं आई। अच्छा, यहाँ डॉक्टर वगैरह भी देखने नहीं आया आपको? नहीं देखा कोई। आपको क्या मिला खाने में? कुछ नहीं। यहाँ हॉस्पिटल से कुछ नहीं मिला? आप लोगों को देखने डॉक्टर वगैरह आते हैं यहाँ? नहीं आए। कहाँ से आई हैं आप? अच्छा, कब से भर्ती हैं आप? अच्छा, कल से। आप लोग इनके साथ में हैं तो हॉस्पिटल से कुछ मिला है आप लोगों को? कुछ भी नहीं मिला है। और डॉक्टर वगैरह देखने आ रहे हैं इनको? टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए रीठी से कौशल तिवारी की रिपोर्ट। रीठी तहसील के अंतर्गत बिलहरी उप स्वास्थ्य केंद्र में जननी वार्ड में भर्ती महिलाओं को आज 31 अक्टूबर रविवार को सुबह से कुछ भी नाश्ता व भोजन नहीं दिया गया। दोपहर 3 बजे मीडिया कर्मियों के द्वारा अस्पताल का अवलोकन किया गया तो भर्ती महिलाओं ने बताया कि सुबह से उन्हें चाय, बिस्किट, दूध, फल, फूल, भोजन कुछ भी नहीं मिला है। यहाँ पर स्वास्थ्य कर्मी भी अनुपस्थित थे। बता दें कि यहाँ पर पदस्थ डॉक्टर कटनी से अप डाउन करती हैं, जो अक्सर यहाँ शाम के बाद नहीं मिलती हैं। रात में यहाँ कोई भी डॉक्टर नहीं रहता। उप स्वास्थ्य केंद्र बिलहरी में व्याप्त अराजकता अपने चरम पर है। जननी को मिलने वाली सुविधाओं से आखिर क्यों वंचित रखा गया है? पौष्टिक आहार समय पर क्यों नहीं दिया जा रहा है? इसके लिए मिलने वाला फंड आखिर कहाँ जा रहा है? कहाँ से आई हैं आप? चरकुआ से। कब से भर्ती हैं यहाँ पे? रात के 2 बजे से। 2 बजे से। तो भोजन में खाने में आपको क्या मिला हॉस्पिटल से? कुछ नहीं मिला है। कुछ भी नहीं मिला है? नहीं मिला। फिर आपने क्या खाया? हमारी मम्मी लाए थी तो चाय टोस्ट खाया। अच्छा, जैसे दूध वगैरह फल फ्रूट मिलते हैं ये कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। कुछ भी नहीं मिला। कोई सुनाई नहीं हो रही, गोली लेके नर्स चली गई है तो जब से नहीं आई। अच्छा, यहाँ डॉक्टर वगैरह भी देखने नहीं आया आपको? नहीं देखा कोई। आपको क्या मिला खाने में? कुछ नहीं। यहाँ हॉस्पिटल से कुछ नहीं मिला? आप लोगों को देखने डॉक्टर वगैरह आते हैं यहाँ? नहीं आए। कहाँ से आई हैं आप? अच्छा, कब से भर्ती हैं आप? अच्छा, कल से। आप लोग इनके साथ में हैं तो हॉस्पिटल से कुछ मिला है आप लोगों को? कुछ भी नहीं मिला है। और डॉक्टर वगैरह देखने आ रहे हैं इनको? टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए रीठी से कौशल तिवारी की रिपोर्ट।